आइए कम आ जाओ यार। हेलो सर, एज ऑलवेज यू आर लुकिंग हैंडसम। थैंक यू ब्रदर। वंस यू हैव विजुअल हो जाने दो, आइए मैम साथ में आइए। आ जाने के मुझे सवाल पूछ लिया। कब आया आप? अभी जस्ट दिस मिनट। अच्छा, आई वाज हियर बाय 5 मिनट्स। ये हम लोग रेडी कर रहे हैं, कैसा सवाल पूछना पूछने लगे। आप ट्विटर पे काफी एक्टिव हो मैंने देखा है, पहले से कि अभी हुआ? मतलब एक साल हो गया। अच्छा, एक साल सब मिक्स। आप पॉलिटिक्स में भी हो? नहीं, कुछ ओहो सब गोटे के प्रणाम। सब गोटे के प्रणाम, मतलब सब गोटे के प्रणाम, सब गोटे के प्रणाम, मतलब सारे लोगों को मेरा प्रणाम। यस, सब गोटे के प्रिया मलिक हमर साथ छे, वेरी टैलेंटेड अमेजिंग सिंगर परफॉर्मर राहुल वैद्य जी और अनिकेत शुक्ला जी। सो या हेलो एवरीबॉडी, सो आई वाज स्टार्टिंग कि मेरी रिच में सॉन्ग अभी आया है विच इज़ कॉल्ड द वेडिंग एंथम ऑफ द ईयर एंड मैं बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड और लकी फील करती हूँ कि राहुल जी ने मुझे इसमें अपॉर्चुनिटी दिया गाने का। एंड एक अचानक से बस रात में कॉल आया मुझे और मैं जस्ट आई थी ट्रैवल करके और वन ऑफ आर म्यूचुअल फ्रेंड दुर्गेश राजभट, ही इज़ ऑल्सो अमेजिंग कंपोजर एंड प्रोड्यूसर, तो ही सेड कि राहुल भाई इज़ ऑन कॉल। तो मुझे समझ कौन राहुल वैद्य। अच्छा, ओ आई वॉज़न प्रिपेयर एक्चुअली, मैं एकदम ऐसी हुई थी, हाँ दुर्गेश बोलो। तो बोला राहुल भैया जन कौन है? राहुल भैया कौन? राहुल वैद्य। अच्छा अच्छा, तो मैं हेलो हाय कैसे हैं आप? तो प्रिया हम ऐसा गाना कर रहे हैं कला बाजाओ गाने के लिए। मैंने बोला अच्छा ओके ओके। फिर देन आई वेंट टू द स्टूडियो एंड ऑफ कोर्स आई मेट राहुल फॉर द फर्स्ट टाइम, और बट ऐसा लगा नहीं कि हम पहली बार मिले हैं, मुझे ज़्यादा टाइम स्पेंड करने का मौका नहीं मिल पाया था, बट स्टिल आई एम रियली ग्लैड। मुझे बिल्कुल नहीं मालूम था कि ये सॉन्ग इतना ज़्यादा ऐसा ब्लास्ट यू नो करेगा, एंड आई थिंक द रिस्पॉन्सेज आर अमेजिंग। हर बहुत इंस्टा पे छाया हुआ है ये गाना, आई थिंक एक एशियन रिकॉर्ड्स शायद थर्ड नंबर पे ट्रेंडिंग, सो इट्स अमेजिंग एंड आई एम रियली ग्रेटफुल टू अगेन राहुल फॉर हैविंग मी ऑन। नहीं, प्रिया ने बहुत सारी बातें कह दी हैं, मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि हमारा गाना जो है मेहंदी रच गई, जिसको प्रिया ने गाकर चार चांद लगाए हैं, और ये जो राइट में अनिकेत खड़े हैं इन्होंने उसके लिरिक्स लिखे हुए हैं, बड़े ही प्यारे। अगर आप उसके वर्ड सुनेंगे तो आप एक एक वर्ड महसूस कर पाएंगे। एंड हम जो कह रहे हैं ना कि बड़े सारे गाने आते हैं, हर बार लोग कहते हैं दिस इज़ द वेडिंग सॉन्ग ऑफ द ईयर, वेडिंग सॉन्ग ऑफ द ईयर, बट ये मैं इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज जो प्यार हमें मिल रहा है वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। गाना ऑलरेडी ट्रेंड कर रहा है इंस्टाग्राम रील्स पे, एंड अभी तो शादियों का सीजन है भी नहीं, फिर भी आई एम श्योर जब अभी शादियां चलेंगी तो हर दुल्हन इसी गाने पे एंटर करेगी और इसी पे रील्स बनाएंगे सब लोग। राघव जो हैं उन्होंने इस गाने को कंपोज किया हुआ है, वो अनफॉर्चुनेटली आ नहीं पाया, यहाँ पे हमने उनको बुलाया था बट वो कहीं अटके हुए हैं, वैसे भी वो थोड़े से अटके हुए हैं इसका मतलब मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, बट कुछ है तो वो समझ जाएंगे अगर जब भी ये देखेंगे। बट अमेजिंग रिस्पॉन्स है, एंड मैं एक अलग आवाज़ ढूंढ रहा था इस गाने को जो मेरे साथ गाए इस गाने में, एंड प्रिया ने बहुत ही सुंदर गाया है और मैंने भी ठीक ठाक ही गाया है, तो हमने कोशिश अच्छी करी है। एंड बस वो कहते हैं ना कि आर्टिस्ट का काम होता है हम काम करते रहें, बाकी क्या चले क्या नहीं चले वो तो सब जनता जनार्दन के हाथ में। सही। अगर सर अगर आप सामने हो और हमने वो लाइंस नहीं सुनी जी, तो फिर हमने बाइट ले कुछ किया ही नहीं, तो हम चाहेंगे आप एक लाइन तो इसको सुनाएं जरूर। बिल्कुल। ओ तेरे साथ चल के जन्नत मेरे घर आई, मेरी दुआ है रंग लाई, हथा दी लकीरा मैनू तेरे नाल लाई, रब कर होवे ना जुदाई, तेरा रहूंगा तुझ में जीऊंगा, तू मेरा किए बाबा बोलना है। मेहंदी रच गई तेरे हत्था विच तेरे नाम दी माया, छेती डोली लेके आजा डोलना,
चूड़ा पहन के सज गई दुल्हन तेरी मैं बड़ी माया चेते डोली लेके आजा ढोलना ढोलना क्या बात है बहुत बढ़िया मैम आप बताइए जैसे सजे एक सॉन्ग था एक ट्रेडिशनल जो वेडिंग के लिए काफ़ी हिट हो गया था मतलब हर दुल्हा दुल्हन की एंट्री पर वो सॉन्ग हम काफ़ी ज़्यादा सुन रहे थे और अब आप जब मैंने सॉन्ग सुना तो मुझे लगा कि अब ये भी उसी तरीके से ट्रेंड करेगा बिल्कुल तो आप बताइए कि आपकी शादी होगी अरे सर मेरी शादी में यही बजेगा जरूर पक्का करना करना है सर पक्का तो बस बातें ना करना क्योंकि कैमरा हम पे आपको तो इधर कोई देख नहीं रहा इन पे घुमाइए कैमरा इनको दिखाइए देखो इनसे वादा लिया है हमने करने वाले हैं कुछ लोग सिर्फ वादे बोल के जाते हैं कैमरा पे ये दिखते नहीं हम दिख जाते हैं मेरी शादी में सर भी आएंगे और ये बजेगा भी और सर उसका वीडियो भी डालेंगे पक्का थैंक यू सर बजट की बात बाद में हम ठीक है मैम आपने जब ये सॉन्ग गाया तो आपको कैसा फील हुआ ये बताइए सॉन्ग गाते वक्त कैसा लगा टू बी वेरी ऑनेस्ट आई थिंक ये इस जोन का और ऐसा शादी का जो एक फील होता है ये मेरा पहला सॉन्ग था मतलब मैंने और सारे जोन गाए बट ये कभी अटेंड नहीं किया था एंड आई ऑलवेज वांटेड कि मेरा एक ऐसा गाना हो जो बहुत ज़्यादा यू नो शादी में सबकी एंट्री हो जैसे बहुत सारे ऐसे गाने वायरल हुए हैं जो सब सारे वीडियोज़ में अपने शादी में ऐसा करते हैं तो आई ऑलवेज वांटेड बट मुझे पता नहीं था कि इतनी जल्दी आ जाएगा एंड एट द सेम टाइम क्योंकि राहुल हर साल एक बहुत बड़ा वेडिंग सॉन्ग लेके आते हैं तो कहीं ना कहीं आई वॉन्टेड टू मेरे मन में था बिकॉज आई ऑलवेज लुक अप टू हिम हमेशा से आई फॉलोड हिम तो मुझे बड़ा तो इट वॉज लाइक अ ड्रीम ऐसा लगा था वाह मुझे इनके साथ करना है इनके साथ करना है तो सब एक साथ ना बैक टू बैक हो गया तो मैं बहुत ज़्यादा आई वॉज वेरी हैप्पी और लिटरली आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि मतलब इतना ज़्यादा मुझे इतने सारे मैसेजेस आए इतने सारे कॉल्स आए तो आई थिंक ऑल क्रेडिट गोज़ टू हिम आई एम सो ग्रेटफुल अगेन एंड अगेन पता है क्या सच में कहना चाहूँगा इसलिए नहीं कि इन्होंने गाना गाया है और बहुत अच्छा चल रहा है बट इनकी आवाज़ बहुत अनोखी है और आवाज़ जो होती है ना वो आप ऊपर वाले की देन होती है आप उसको बना नहीं सकते हो वो जो ऊपर से लेके आते हो ना वही लाइफ टाइम होती है तो जेन्युइनली प्रिया आपने बहुत ही अच्छा गाया बट मैं अनिकेत के बारे में स्पेशली ये कहना चाहता हूँ कि ये घर आए थे एंड यकीन मानिए 15 मिनट के अंदर मैंने इनको ऐसा बिलीव किया कि यार ऐसे दुल्हन अपने घर से विदा हो रही है थोड़ा वैसा इमोशनल चीज़ें चाहिए फिर एक लड़के का पॉइंट ऑफ व्यू था जहाँ पे ये था कि यार लड़की जो मुझे मिली है तो मैं उसका ख्याल रखूँगा उसके साथ मेरी खुशियाँ आने वाली हैं तो वो सब मैंने जस्ट ब्रीफ दिया यकीन मानिए बाय द वॉच 15 मिनट्स इस कमाल के प्यारे टैलेंटेड लड़के ने हैंडसम लड़के ने अनबिलीवेबल लाइंस लिखे तो मैं चाहता हूँ आप इनसे ज़रा पूछें कि क्या सोच रहे थे आप किसके बारे में सोच रहे थे मैं ही बोलूँगा कि देखिए जो डिस्क्रिप्शन होता है ना इतना ज़्यादा अच्छा था इतना ज़्यादा ऑन पॉइंट था कि सोचने की जरूरत नहीं थी सामने इमेज बन जाती ओके जो डिस्क्रिप्शन देने वाला इतना अच्छा है मुझे लगता है डायरेक्टर क्यों नहीं बन गए अभी तो बहुत ही बढ़िया एक एक चीज़ बता दी थी कि क्या लिखना है कैसे लिखना है मैंने शब्द डाल दिए उसमें बहुत ही अच्छे शब्द हैं मतलब मेहंदी रच गई मतलब लड़की जब गा रही है तेरी हथा विच तेरे नाम दी माइया जल्दी छत्ती डोली लेके आ कितनी प्यारी कितनी प्यारी बात है तो अब सर ये बताइए कि आपके पास ये आइडिया कहाँ से आपको कब ऐसा लगा कि ये उस पर मुझे करना चाहिए मतलब मेहंदी हाथों में नहीं मैं हर साल एक गाना ज़रूर करता हूँ वेडिंग के ऊपर पिछले साल मैंने मधानिया किया था इस साल ये कि अगले साल पता नहीं क्या करूँगा बट हर साल एक कोशिश होती है कि शादी जो है ना इंडिया में कुछ ख़त्म हो या ना हो शादियाँ ज़रूर रहेंगी शादी हमारे देश में हमारे संस्कृति में बहुत ज़्यादा महत्व रखती है अगर आप देखेंगे अब्रॉड में तो दो लोग होते हैं शादी में सिर्फ दूल्हा दुल्हन और एक दो लोग उनके बाकी यहाँ पे जैसे होते हैं ना कि रिश्तेदार आ रहे हैं 400 लोग 500 लोग तो हमारे कल्चर में शादी का बहुत ज़्यादा महत्व है शादियाँ छोटी तरीके से नहीं बड़ी तरीके से मनाई जाती है और जहाँ पे शादी आती है वहाँ पे म्यूज़िक डांस सेलिब्रेशन ये तो हो गई तो कहीं ना कहीं एज एन आर्टिस्ट मैंने सोचा कि यार ऐसा गाना मुझे करना है और जो राघव इसके कंपोज़र हैं जब उनके साथ मैं बैठा हुआ था मैं एक्चुअली उनके पास किसी और काम से गया था बट उन्होंने एक धुन गाई तो मैंने कहा एक मिनट एक मिनट तो मैंने उनको वहाँ रोका मैंने कहा इसको एकदम अलग से रखना है इसके लिए हम शादी का गाना करेंगे वो करते 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 ऐसा गाना बना सर मुझे ये बताइए कि जब आपने इसके लिरिक्स ढूंढे जी तो आपको क्या एक्सपीरियंस आया लिरिक्स ढूंढते और किस तरीके के ख्याल आपके दिमाग में चल रहे थे सच वाले मत बोलना ख्याल क्या चल रहा है नहीं सर हम तो सच डालना चाहेंगे सच कड़वा भी होता है नहीं इसका सच जो है ना काफ़ी मीठा था क्योंकि बात ये है कि जैसे मैंने पहले बताया कि डिस्क्रिप्शन बहुत ही साफ था कि क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए बहुत साफ था तो कभी इस गाने को लिखते वक्त कुछ भी मैं कभी गलत डायरेक्शन में गया नहीं
और जितने शायद हम लोग प्रेम कहानी भी बनाया है जो भी बहुत बढ़िया चल रहा है, और भी जो गाने हम लोग बना रहे हैं हम लोग साथ में बैठ के बनाते हैं, तो भटकने नहीं देते भैया, राहुल भैया भी भटकने, जैसे मतलब अगर गलत लिरिक्स लिख रहे हो या मतलब आउट ऑफ फील्ड जा रहे हो या जो हम लोग की एक्सपेक्टेशंस हैं जो बनाने की कोशिश कर रहे हो, अगर जरा सा भी गया ना ये भाई क्या लिख रहा है ये क्या कहा जा रहा है देता हूं। और मुंह पे बोल देते हैं भाई ये क्या है हटा तो हटा देते हैं, तो इस बार तो कुछ हुआ ही नहीं, तो उसने तो ऐसा कुछ बोला ही नहीं हटाने, बहुत कमाल लिखा है, बहुत कमाल लेकिन जब समझ में आती है ना फिर वो सबसे चहेते हो जाते हैं, तो मीठी मीठी बातें मुँह पे मीठी मीठी बातें करो फिर पीछे यार ऐसा है वैसा नहीं, तो जो भी आप ऑनेस्ट रहो तो कहीं ना कहीं आपको शायद पहले थोड़ा सा तालमेल जमने को टाइम लगे, लेकिन एक बार अगर जम गया तो फिर वो आपका लाइफ टाइम का रिश्ता रहता है कि उनको पता है कि जो दिल में है वो मुंह पे। बिल्कुल सही कहा। अब सर ऑडियंस जो इतना प्यार दे रहे सॉन्ग को, इसको इतना मतलब चाह रही है, हर तरीके से इसे पसंद करे, उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे और क्या मैसेज देना चाहेंगे? थैंक यू सो मच फॉर लविंग मेहंदी रच गई सो मच एंड प्रेम कहानी ऑल्सो सो मच, थैंक यू सो मच, इतना आपने प्यार दिया, ऐसे ही सुनते रहिए, अपने शादियों पे इसको बजाते रहिए, अपनी रील्स बनाते रहिए, एंड थैंक यू सो मच, कीप ब्लेसिंग। आप क्या कहना चाहेंगे मैम? आई थिंक राहुल ने सब कह ही दिया है, पर थैंक यू सो मच फॉर द ग्रेट रिस्पॉन्स और मेरी आवाज़ को इतना ज़्यादा पसंद करने के लिए बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद, और सेम प्लीज़ आप अपना प्यार, आई थिंक आपका प्यार हमें सोशल मीडिया के थ्रू ही मिलेगा, जब आप बहुत सारे रील्स बनाएंगे हमें टैग्स करेंगे हैं जो कि इंस्टा फेसबुक, तो बैक टू बैक बनाते जाइए, और अब तो शादियों का सीज़न भी आ रहा है, लगन आ रहा है, तो बस अभी से शुरू हो जाइए, एंड ब्राइड जब अपनी एंट्री करे या दुल्हा जब उधर से डोली लेके सच में आए तो ये सारे गाने, ये सारे एक एक जो इसका एक्चुअली इसके ना तीन स्ट्रक्चर है, एंट्री फिर जब राहुल आते हैं फिर लास्ट का, तो तीनों का एक अलग, तीनों अलग ही फ्लेवर है, मतलब तीनों अलग फ्लेवर है, एवरीथिंग इज ग्रैंड, तो आई डोंट नो मतलब, और उस तरीके से रील्स पे भी ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन है, एंट्री की आती है फिर जब राहुल की आवाज़ आती है फिर लास्ट में जब वो पूरा म्यूजिक एक साथ अमैलगमेट होता है, तो बहुत ही प्यारा है, तो आई एम जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड ऑल सारे रील्स के लिए, और थोड़ी सी मैथिली बोल दो सर, सब गुड के बहुत बहुत धन्यवाद, अहाँ इतना सारा प्यार अहाँ सब दे रहे छी, हम सबका सॉन्ग अहाँ सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि अहाँ ई गीत का हम सबका गीत मेहंदी रच गई का ए ढेर सारा प्यार अहाँ दे रहल छी, तो इखना एक एखन सॉरी मैं थोड़े से खुद कंट्रोल जाती हूँ, तो बाकी समझ लीजिए, बस बोलिए सर, सबके बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ इतना प्यार बरसा रहल बानी हम सबके गाना पर गाना पर, और इसे सब एने तरीके से प्यार हाँ सब, अब ये मिक्स हो गया भोजपुरी और मैथिली, सॉरी गाइस मैं बहुत मिक्स बोलती हूँ, तो आप बाकी तो आप समझ गए, इमोशन समझिए वर्ड्स को, सर आप बताइए। देखिए मैं ये कहना चाहूँगा, देखो सबने ऑडियंस का धन्यवाद कर दिया है, पंजाबी भाई बहुत गंदी बोलते मैं कहना चाहता है सारे नू, मैं यह कहना चाहना कि सारे का रब रखा, तो साढ़े गाने नू इन्ना ही प्यार देंदे रहो, तो गणपति बप्पा मोरी, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, कौन सिंदूर मैं चाहूंगा सर एक बार आप लोग गाना गाएंगे जो भी गाया था तीनों ने साथ, अभी इनके साथ ना एक ही साथ ले लो सीधा, हां विशाल भाई कर आ जाओ, ठीक है।